हेलो गाइस, अगर आपको मॉल में घूमते घूमते फ्री की आइसक्रीम मिल जाए तो कितना मजा आएगा। हम यहाँ बैठ के आइसक्रीम खा रहे हैं, जस्ट ऐसे चल आउट फ्री सैंपल, सो मजा आता है ना। और इतनी आइसक्रीम सफिशिएंट रहती है। यू ऑल्सो एंजॉय इट, एंजॉय इट। शो मी योर आइसक्रीम। उसको समर सरप्राइज चल रहा है, तो ये जो लंदन डेयरी वाला खड़ा है ये सबको फ्री आइसक्रीम दे रहा है। बट कोई भी आ जाए फैमिली में, चार हो पाँच हो एक हो, तो देखिए वह सम, तो मॉल ने कुछ समर सरप्राइज रखा हुआ है। एंड उधर भी काफ़ी बड़ा बोर्ड लगा है, दे जा सम सरप्राइज, तो दे वर फ्री आइसक्रीम, एंजॉय इट। ये बोल रहा है कि इट्स अ फ्री आइसक्रीम, तो पूरी की पूरी फैमिली रुक जाती है एंड दे फाइंड विच फ्लेवर दे वांट एंड दे एंजॉय इट। इट्स ब्यूटीफुल, इट्स लाइक। तो दोस्तों अभी हम अर्बन सड़क का समोसा लेने आए हैं। आप देख सकते हो भीड़ बड़ी ज़बरदस्त है और लोग तो बड़े चटका रहे हैं, लेकर खाना चाट खा रहे हैं, पसीने टपक रहे हैं और चाट का मज़ा ले रहे हैं अर्बन तड़का में। उधर तो पूरा एक ग्रुप खड़ा है सरदारों का, बस टट टट करे जा रहे हैं और समोसे और चाट और वो सब खाए चले जा रहे हैं। Look at this guys, it's so beautiful. Wow, कितना सुंदर दिख रहा है ये। And look at this flowers all around. It looks so beautiful. Wow, beautiful. Look at this. It's beautiful. Nice concept is here, the flower and all area is looking so beautiful. Everywhere they put the flowers, here you can see there, so I think they doing something new here. Abhi lagaya nahi hai but yeah, something is new. It's a beautiful, this concept is so beautiful. Going up, 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 up like this. Look at this. Some design. That's wow. It's so beautiful. So this is a new cafe. And what is the concept is here? It's sitting arrangement. It's so beautiful. Look at this. Wow. And look at this. They put the gate here and it's look like this. Upar kitna sundar lag raha hai, aisa lag raha hai ki jaise hum kisi bade mahal ke andar jaate hai na, waisa lagta hai ye. Look at this high rise building. इतनी गर्मी हो रही है ना बाहर, बुरा हाल हो रहा है, बुरा हाल। फिर भी हम घर से निकले हैं कुछ छोटा मोटा सामान लेने, अभी आपको बताते हैं क्या लेना है, बहुत जरूरी है, मिल नहीं रहा है कहीं पर, इसीलिए आए लेने। इस ग्रीनरी, वाव, ग्रीनरी देखकर तो बड़ा अच्छा लगता है, कितने ग्रीन ग्रीन सब कुछ। चलो उतरो अब गर्मी में, तो इतनी तेज गर्मी हो रही है, करीब हो रहा होगा 40-45 डिग्री, 45 से भी ज़्यादा हो रहा होगा।
इतनी तेज़ गर्मी हो रही है, बट क्या करें, कभी कुछ 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 काम हमें ऐसे भी करने पड़ते हैं, निकल कर उसको साथ में, बहुत ही मुश्किल है। बट ग्रीनरी यहाँ मस्त ग्रीनरी हो रही है चारों तरफ, बढ़िया। बेसिकली हुआ क्या है, हमें अमूल जो कंपनी है ना जिसका हम बटर खाते हैं, उसका वाइट बटर खाने की आदत हो गई है, और जब से उन्होंने लॉन्च किया है आउट ऑफ स्टॉक चल रहा है, हर जगह मिल ही नहीं रहा है। तो हमें पता चला यहाँ एक दुकान है उसमें मिल रहा है, तो हम वो लेने आए हैं, क्योंकि अब ऐसी लत लग गई है कि वाइट बटर, वो जो अपना मलाई वाला फ्लेवर बटर जो हम इंडिया में घर में निकालते हैं, उसका एक दफ़े टेस्ट लग जाए तो आप वो नॉर्मल सॉल्टेड बटर नहीं खा सकते, या अनसॉल्टेड, मतलब उसका फ्लेवर ही डिफरेंट है। तो आज इतनी कड़ी धूप में हम वो लेने आए हैं। यहाँ पर एक शॉप है इंडियन, तो कल उससे पूछा तो उसने कहा हाँ हमारे पास है, आप आ जाइए, तो वही लेने जा रहे हैं। शॉप में पहुंचते हैं आप व्यू का मज़ा लो, और धूप तो भयंकर हो ही रही है। सो गाइस, वो ये शॉप है और यहाँ पर सारा कुछ इंडियन सामान, शेरी और गर्मी और ऊपर से मास्क, ओबे बहुत ही बुरा हाल है। और गाड़ी कहाँ पार्क करनी पड़ी और कहाँ आना पड़ा, इट्स वेरी डिफिकल्ट। चलिए अंदर देखते हैं, थोड़ा एसी मिलेगा। ओह बहुत ही गर्म हो गया और दुकान पूरी खाली पड़ी है, काउंटर में भी कोई नहीं है, ऐसा लग रहा है कि बस आओ उठाओ चले जाओ। गाइस यहाँ पर अमूल का सारा चीज़ मिलता है, अमूल लस्सी से लेकर अमूल कोको, अमूल स्प्रेड, सारा ही कुछ मिल रहा है। और बाकी आपको ये भी ब्रांड मिलेगा, कहते हैं ये वहाँ का है, बॉम्बे का है, तो लेकिन सारा कुछ अमूल का, अमूल आइसक्रीम भी मिल रही है, सारा कुछ मिल रहा है यहाँ पर। एक्सक्यूज मी, व्हाट इज़ द प्राइस ऑफ दैट वाइट अमूल बटर? हाँ 13.1। अगर आपको पान खाने का मन है तो यहाँ पर पान भी मिलता है, नॉट दिस टाइप, दिस टाइप ऑफ पान जिसमें सब कुछ है, और कैलकटा पान भी मिलता है ये, तो इस तरह का है ये, सही है। दिस इज काओ घी, वो जो आजकल A2 काओ का मिल्क चल रहा है ना, उसका घी भी है यहाँ पर। तो आओगे तो बहुत सारी चीज़ें मिल जाएंगी। ये हम कोई बचपन में खाते थे, जैट इमली चॉकलेट, याद है बचपन में, बचपन की याद। दोस्तों ये अरबी के पत्तों का कुछ स्नैक्स है जो हम बनाते थे, और ये देखिए माउथ वाटरिंग टॉफियाँ, कितना मज़ा आ रहा है ना। इवन अचार भी मिल रहे हैं, ग्रीन चिली एंड दिस वन, तो पापड़ा खाखरा सब कुछ है यहाँ पर। तो इन्होंने ये टेस्ट कराया है, देखने कैसा है। इट्स वेरी क्रिस्पी, बढ़िया चटपटा है, इट्स वेरी नाइस, मजा आ गया, मजा आया ना। शॉपिंग अपने इंडिया वाला सामान मिल जाए तो मस्ती आती है, मजा आ रहा है। इट्स गुड, जो भी एप्पल लेना है इनके पास सैंपल है, तो वो आपको टेस्ट करवा रहे हैं, तो दैट्स गुड। जी मैंने पहले टेस्ट करी हुई है।
और गरम, तनाजी और गरम। बटर मिल गया, एक दो नमकीन ले ली, पान ले लिया, मुझे पान बहुत पसंद है। यहाँ से समोसा भी ले लेते हैं, ये जो है ना क्या कहते हैं हल्दीराम का समोसा बहुत बढ़िया होता है, तो शाम को योगा करने के बाद समोसा खाएं। जब आए हैं तो पूरा चटकारे लें, तो ये लेने एक बटर गए थे और देखो कितना बड़ा सामान लेकर आ गए। बहुत कम आती मैं शॉप में, और जब आए हैं तो हल्दीराम का यार शाम को जब चाय पियो ना, दूध पियो, तो समोसे खाने का अपना अलग ही मज़ा होता है, और हल्दीराम के समोसे बहुत बढ़िया होता है। तो मैंने कहा चलो लगे हाथ, योगा तो करते ही है, योगा के साथ साथ थोड़ा मन भी प्रसन्न होना चाहिए। और अब जल्दी मेरे हस्बैंड कह रहे हैं जाकर गाड़ी ऑन करो, इतनी गर्मी पड़ रही है कि घर जाने तक बटर ऐसा ना हो घी में कन्वर्ट हो जाए। तो जल्दी जल्दी जाओ, गाड़ी का एसी ऑन करो और बटर को फ्रीजर में रखो जिससे कि वो गल ना जाए। सच्ची में बहुत गर्मी है। सो अपन की गाड़ी खड़ी है और जाकर फटाफट इसको रखते हैं डीप फ्रीजर में। इट्स अ, अरे खुल गया। तो हम बटर को पहले तो फ्रीजर के अंदर डाल देते हैं, जिससे कि वो गले ना। चलिए ये पकड़ो, मैं गाड़ी ऑन करूं। एसी और इसका फ्रीजर भी ऑन कर देते हैं जिससे कि बटर पिघले नहीं। वाली सीट में बैठ जाती हूँ क्योंकि अभी मुझे ड्राइविंग करनी नहीं है, सिर्फ एसी का मजा ऑन करना था उसके लिए। बहुत तेज धूप है यार। अरे ये मास्क ना इतना इरिटेट करता है। तो मेरे हस्बैंड ना बटन निकाल नहीं रहे थे कि सबसे तुम पहले सर्च कर लो जो जो लेना है, सबसे लास्ट में निकालेंगे, क्योंकि उन्हें पता था कि अभी मैं ये चीज उठाऊंगी इस चक्कर में बटन मेल्ट हो जाएगा, तो बिल्कुल लास्ट में निकाला उन्हें। कल से हो रहे हैं स्कूल चालू, सुबह 5:30 बजे उठना पड़ेगा। बहुत मस्ती कर ली, अब आ जाओ लाइन पर बैठे। ऑनलाइन क्लास भी ख़त्म, सब कुछ ख़त्म, लंच वर्क बनाना है, पिक एंड ड्रॉप करना है, पूरी वर्क लगने वाली है, और आपके साथ वीडियो भी बनाना है, उसको एडिटिंग भी करनी है, अप टू डेट भी रहना है। सो अब आएगा असली मजा जिंदगी का कि क्या है, अभी तक तो मजे आ रहे थे, हाँ अब आएगा कि जब आपको ड्रॉप करना है, पिक करना है। और ये हमारे समोसे, चलो। ऑन गाड़ी को ऑफ कर दिया, ऑफ को ऑन कर दिया, आदत होती ना बैठती गाड़ी ऑन करनी, ये नहीं पता गाड़ी पहले से ही ऑन है। सर्विस रेडी साहब। ग्रीनरी पूरी है, ग्रीनरी में कोई कमी नहीं है, चाहे कितनी भी गर्मी पड़ जाए, कितना कुछ हो जाए, हरियाली जरूर होनी चाहिए सब जगह। ग्रीन पत्ते साफ सुथरे एकदम चमक रहे हैं सब जगह, मजा आ रहा है। हाँ, इसी में बैठने के बाद ही अभी तक पसीना सूखा नहीं है। चलो काम हुआ, अब हम करेंगे पहले योगा, उसके बाद हम खाएंगे समोसे बढ़िया से यमी वाले चटकारे लेकर। और आप यहाँ के हाई राइज बिल्डिंग देखिए क्या मजा आ रहा है, टिंग 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 टुंग। रेड लाइट, ये
धीरे 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 चलती है, बट दुबई में हर चीज़ होनी जो जरूरी है, मेट्रो से लेकर मोनोरेल तक सब कुछ है, सब मिलेगा दुबई में। और ये एक तरह से दुबई का इनसाइड हाईवे है, इसको आप हाईवे भी बोल सकते हो। यहाँ पर मैक्सिमम स्पीड 100 है, 100 मीन्स यहाँ पर ऐसा कहते हैं 120 तक आप जा सकते हो, उसके बाद कैमरा पड़ जाएगा। और सबसे स्लो आप 60 की स्पीड में चला सकते हैं गाड़ी, तो बट मखनी रोड है। और 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 लेन है, इसमें से 2 कट रही हैं, बाकी सीधे सीधे जा रही हैं। सो आपको पूरी दुबई क्या पूरे यूएई में ऐसे ही रोड्स मिलेंगी ऐसे ही। और ये देखिए रेड आप देख रहे होंगे, तो इन्होंने यहाँ पर ये एक निकाला है कि इसको देखकर लोग कॉन्शियस हो जाएं कि यहाँ से 100 स्पीड मीन्स 120 तक आप ले आ सकते हैं। तो इन्होंने याद दिलाने के लिए, लोग भूल जाते हैं क्योंकि पीछे जो स्पीड है 120 है, तो 140 तक आप ले आ सकते हो, तो लोग भूल जाते हैं उसी में चलाते हैं। तो इन्होंने रोड में ऐसे व्हाइट पेंट रेड पेंट कर दिया है, जिससे कि पता चल जाए कि यहाँ से 100 हो गई है स्पीड, आप मैक्सिमम 120 तक ले आ सकते हो। अगर 21 हुई तो कैमरा पड़ जाएगा और भारी भारी वर्कम आपके पास फाइन आ जाएगा दुबई में। सो अच्छा तरीका है एक्सप्लेन करने का, लोगों को बताने का, और इससे ज़्यादा क्या करोगे भैया, इतनी तो बता ही दिया उन्होंने, इतना काफ़ी है, ज़्यादा ज्ञान नहीं बांटना चाहिए, इतना ही काफ़ी है। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए प्लीज़। बहुत गर्मी है, बोला भी नहीं जा रहा है, मास्क पहन के तो बिल्कुल नहीं बोला जा रहा है। सो कीप इट टच, बाय।